दोस्तों वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला एसएससी प्रिपरेशन। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि 2020 में जो आपका रिजल्ट आया है अभी और 2022 का एग्जाम होना है, तो 2020 का जो कट ऑफ गई है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो 2020 से हमें क्या सीखना चाहिए, किस हिसाब से हम उसके लर्निंग लें कि 2022 में हम अच्छा स्कोर करें। देखिए एक बात को समझिए, 2020 में जैसी कट ऑफ हुई है ना, वैसी एक्सपेक्टेड तो नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा चली गई, इतनी नहीं जानी चाहिए थी। तो 2022 में कितना स्कोर आपको करना चाहिए इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, और इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा कि आप कितना स्कोर करना चाहिए। बात को बहुत ध्यान से आपको समझना है कि 2020 में वैकेंसी जो है कम कर दी गई थी, इस वजह से कट ऑफ और भी ज़्यादा हाई चली गई। वैसे इतनी हाई, अगर जो वैकेंसी थी जैसी पहले आई थी उतनी ही रहती, यानी कि 700-800 के बीच में रहती, अगर 800 के आसपास रहती तो इतनी कट ऑफ नहीं जाती। कहीं ना कहीं एससी में जो लोग 136 में थे उनका सिलेक्शन भी हो जाता, ईडब्ल्यूएस में जो लोग 141 में थे उनका भी सिलेक्शन हो जाता, यूआर में जो 155 में थे, 153 में थे उनका भी सिलेक्शन हो जाता। हालांकि अभी भी हुआ है, पर डिपार्टमेंट, मैंने कहा था ना, अगर आपको हो भी जाएगा तो डिपार्टमेंट अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, इससे आपको सीखना है और ये ध्यान रखना है कि 2020 में जितने भी नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे 5 से 6 नंबर आपको एक्स्ट्रा लाने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एससी के अगर आप हैं तो आपको 130 नंबर लाने हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उस पर 135 तक पहुंचा दीजिए। हालांकि इस बार 135-136 के ऊपर फाइनल कट ऑफ नहीं चाहिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम थी और भी कम कर दी गई थी, इसलिए कट ऑफ इतनी चली गई है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन 135 के आसपास हो जाएगा। तो अगर आप एससी के हैं 135 नंबर ले आइए, 130 से 135 लाइए, 135 ज़्यादा फोकस करिए कि इतने मार्क्स आपको लाने हैं। यूआर के हैं आप तो भाई साहब 150 नंबर ले आओ, ईडब्ल्यूएस के हो तो भी 148 के आसपास नंबर ले आओ, ओबीसी हो तो भी इतना ही नंबर ले आओ, ठीक है। और एसटी हो तो आप कहीं ना कहीं 125 में अपने आप को सेफ समझ सकते हो, कहीं ना कहीं 125 क्या 120 में भी अपने आप को सेफ समझ सकते हो अगर एसटी हो तो, ठीक है। ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। तो 2020 से सीखो, इन्होंने वैकेंसी कम कर दी, कट ऑफ इतनी हाई कर दी, बच्चे जो एक्सपेक्टेड इनका सिलेक्शन होना था उनका हो नहीं पाया, 141 वालों का ईडब्ल्यूएस में हो नहीं पाया, 136 वालों का एससी में हो नहीं पाया। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है और 2022 में आपको कम से कम अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं, देखिए एससी जो है ना, एससी में जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो 141 गई है। हालांकि ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन क्योंकि वैकेंसी कम हो गई इसलिए चलेगी। देखिए 141 जो है मिनिमम गई है, देखिए आपको अगर कैटेगरी वन देखेंगे आप तो देखिए कितनी गई है, मिनिमम 142 गई है और सब मिनिमम जो है 141 गई है, बाकी अदर डिपार्टमेंट्स की इससे ऊपर भी गई है, ठीक है। अब मैं ईडब्ल्यूएस की बात कर लूँ, ईडब्ल्यूएस में जो है जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो आपकी 143 के आसपास गई है, ठीक है। देखिए 144 दिया हुआ है और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 143 भी है, 150 भी ईडब्ल्यूएस में गई है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की है। लेकिन मिनिमम जो देखिए जो है जीरो है, जीरो जो कैटेगरी होती है 143 जो है मिनिमम गई है, तो 141 वालों 42 वालों को सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं, क्योंकि 100 जितनी भी अभी गई है 2022 में इतनी नहीं जाएगी, आपको इसे सीख लेनी है और 2022 में अच्छा स्कोर करना है। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, इंसिस्ट करके बोल रहा हूँ ताकि आप इसको ध्यान रखो, ओके। अब बात करते हैं यूआर कैटेगरी में, देखिए 150 में सिलेक्शन हालांकि हो गया है, हो गया है, ठीक है। और देखिए बात करते हैं अदर कैटेगरीज भी, आप देख सकते हो, आपने राइटअप देखा होगा, तो मिनिमम कट ऑफ आप देख सकते हो और आपको कम से कम जितनी मिनिमम कट ऑफ गई है अगर उससे 5 से 6 नंबर कम रहेंगे आपके तो भी आपको 2022 सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, एससी हैं तो 130 स्कोर करिए, 130 से 135 करिए, अगर आप ओबीसी हैं तो 145 के ऊपर करिए, अगर आप यूआर हैं तो 150 के ऊपर करिए, ईडब्ल्यू हैं से तो 148 के आसपास करिए आप, ठीक है। एसटी हैं तो 125 के आसपास करिए। इन लोगों का भी सिलेक्शन अभी हुआ है 2020 में, उनको बहुत बधाई देता हूँ मैं, और जिनका नहीं हो पाया है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बगल में एग्जाम है आपका और जिस तरह से एसएससी काम कर रही है, आप अगले साल तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी जुलाई तक, जिस हिसाब से काम कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को दिखाना है ना कि मैंने पिछले एक साल में कितना कितना जॉब दिया है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है तो उनको दिखाना है। तो बहुत ही जल्दी जल्दी ये लोग काम करेंगे, आपका सिलेक्शन जल्दी से करवा देंगे। आपका ये समझिए नवंबर में एग्जाम है, जनवरी के पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, जनवरी तक रिजल्ट आने के चांसेस हैं। और अगर स्किल टेस्ट की बात करें, स्किल टेस्ट आपका इस साल ऐसे जून में हुआ था, अगली बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार अप्रैल अप्रैल तक हो जाएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट है आपका वो कहीं ना कहीं इस बार अक्टूबर में देखने को मिला है, अगले साल आपको वो जुलाई तक देखने को मिल जाएगा और दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उससे पहले ही ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और यार देखो, नंबर अच्छे लेकर क्या होगे, सेफ रहोगे,
अगर आप सेफ स्कोर के चक्कर में पड़ोगे कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो। क्योंकि अगर आप 150 की तैयारी करते हो तब जाके 140 आते हैं, 160 की तैयारी करते हो तब जाके कहीं ना कहीं 150 आते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, अच्छा स्कोर करो ना, लेकिन फिर भी सेफ स्कोर अगर आपको पता रहता है तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से आप तैयारी भी कर लेते हो। लेकिन जितना भी सेफ स्कोर बता रहा हूँ उससे 10 नंबर ऊपर की तैयारी करो, ताकि आप फाइनल सिलेक्शन हो जाए। आप किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ ना है, आप ये ना सोचो कि मैं बॉर्डर पे हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मेरा हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस तरह के सवाल ना आए आपके ऊपर। इसलिए आप जो है स्कोर अच्छा करने की कोशिश करो। बाकी मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा कि आपको कितना स्कोर करना चाहिए, और जितना मैंने बताया उससे 5 नंबर ऊपर बढ़ा लेना बस यार। आप बस 5 नंबर ऊपर बढ़ा लोगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं बेसिक आपको राम बाल बताता हूँ कि आप किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी, अगर 145 मार्क्स ले आते हो, रॉ मार्क्स जितने मैंने बताया आपको, रॉ मार्क्स बताया, अगर आप 145 ले आते हो तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन फाइनल होने के 100% चांसेस है। दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो कि 2020 में जो कुछ भी हुआ है उससे सीख लेकर के 2022 में अच्छा स्कोर आपको करना है, ये मैंने आपको बताया है इसमें। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना। जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, 2022 वेट कर रहा है, उसका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से दो, कोई भी फ्रस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है 2022 में, सबका सिलेक्शन होगा। वो कहते हैं नहीं सर जन सर रहता है वही होगा, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो दोस्तों अभी मैं निकलता हूँ, चलता हूँ, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और